तो आखिर कौन होने वाला है रोमो रेस का नेक्स्ट चैलेंजर? एलिस्टर ब्लैक के रिटर्न को लेकर आई गाइस बड़ी अपडेट। समोआ जो और भी काफी सुपरस्टार्स को WWE ने कर दिया ऑफिशियली रिलीज। उसके अलावा गाइस रेसलमेनिया 38 के बारे में करेंगे इस वीडियो में बात। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले हम शुरुआत ही कर लेते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज से। तो गाइस आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, WWE ने रात को एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी, जहां पर गाइस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को एक एक कर रिलीज कर दिया है। आप सब जानते हैं लास्ट ईयर भी 15 अप्रैल के आसपास हमें देखने को मिला था कि WWE ने लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया था, और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा का नंबर था। और गाइस ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से WWE ने ऐसा कर दिया है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको लिस्ट बता दूँ उन सुपरस्टार की जो कि फिलहाल रिलीज़ कर दिए गए हैं। और गाइस यहाँ पर नाम आता है समोआ जो, मिकी जेम्स, बो डैलस जिन्हें हम फिट समझ रहे थे, उसके अलावा कलिस्टो, पेटन रॉयस, बिली के, चेल्सी ग्रीन और मोजो रॉली, ऐसे कुछ सुपरस्टार हैं जिन्हें WWE ने रिलीज़ कर दिया। अब जिन सुपरस्टार का नाम लेना मैं भूल गया वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और गाइस ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि WWE ऐसा कुछ अनाउंस करेगी। और गाइस ऐसा माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को WWE ने सुपरस्टार को रिलीज़ करने का दिन बना लिया है। और गाइस इन रिलीज़ के पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो है बजट कट्स। लेकिन गाइस क्या असली रीज़न है वो तो WWE ने हमें बताया नहीं, सिर्फ रीज़न देने के लिए कुछ भी बना दिया है। अब गाइस लास्ट ईयर तो हम सब सोच रहे थे कि पैंडेमिक था, इसलिए WWE ने सुपरस्टार को रिलीज़ कर दिया। लेकिन इस बार क्या वो रीज़न था कि WWE ने सुपरस्टार को रिलीज़ कर दिया, इसके रिगार्डिंग गाइस फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और WWE को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। और गाइस सबसे बड़ा नाम जो रिलीज़ में था वो था समोआ जो का, जो कि अभी हमें रिसेंटली रेसलमेनिया में एज ए कॉमेंटेटर भी देखने को मिले थे। और आप सब जानते हैं लगभग एक साल हो चुका था समोआ जो ने रेसल नहीं किया था। और गाइस ऐसा माना जा रहा था कि समोआ जो चाहते थे फिर से रेसल करना, लेकिन WWE उन्हें कंकशन इस वजह से उन्हें क्लियर नहीं कर रही थी। और गाइस ऐसा माना जा रहा है ये वो बड़ा रीज़न था जिस वजह से समोआ जो को WWE ने कर दिया रिलीज़। और गाइस समोआ जो ने अपने रिलीज़ पर रिएक्शन भी दिया, जहाँ पर आप एक GIF देख सकते हैं जो कि समोआ जो ने पोस्ट करी है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा है बी वेल। और समोआ जो ऐसे तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी पॉजिटिव हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा AEW के सुपरस्टार ने ऐसा टीज़ करना शुरू कर दिया कि समोआ जो AEW में हमें देखने को मिल सकते हैं। और समोआ जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि मुझे लगता है AEW डेफिनेटली उनमें इंटरेस्टेड होने वाली है। वेल गाइस ऐसा माना जा रहा है कि और भी सुपरस्टार के नाम सामने आ सकते हैं जिन्हें WWE रिलीज़ कर दे। अब वो कौन से सुपरस्टार होंगे उनके रिगार्डिंग जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अब गाइस चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है रेसलमेनिया 38 से। तो गाइस आप सब जानते हैं रेसलमेनिया 37 हमें नाइट 2 का इवेंट देखने को मिला था, जिसे WWE काफ़ी बड़ी सक्सेस मानकर चल रही है। और गाइस रिसेंटली रसल वॉर्स ने हमने ट्वीट करते हुए बताया कि रेसलमेनिया 37 एक काफ़ी बड़ी सक्सेस थी WWE के लिए। लेकिन गाइस रेसलमेनिया 38 का इवेंट भी अब एक नाइट का इवेंट होगा, यानी कि रेसलमेनिया 35 के बाद हमें रेसलमेनिया 38 पर WWE वापस से सिंगल नाइट इवेंट दिखाने वाली है। और फिलहाल WWE के कोई भी प्लान नहीं है 2 नाइट के रेसलमेनिया दिखाने के। वेल गाइस इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या थॉट्स है कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है एलिस्टर ब्लैक से। अब गाइस आप सब जानते हैं एलिस्टर ब्लैक हमें काफ़ी टाइम से WWE टेलीविजन पर देखने को नहीं मिले हैं। जब से WWE ने उन्हें स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट किया था उसके बाद से एलिस्टर ब्लैक का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन गाइस रिसेंटली एलिस्टर ब्लैक को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ पर गाइस बताया जा रहा है कि WWE एलिस्टर ब्लैक के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीडियो पैकेजेस को टेप कर रही है। और गाइस ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द WWE उन वीडियो पैकेजेस को हमें स्मैकडाउन के शो पर दिखाने वाली है। और गाइस ये वीडियो पैकेजेस बेस्ड होंगे एलिस्टर ब्लैक के चाइल्डहुड पर, यानी कि हमें कोई उनका गिमिक चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन गाइस हम यही होप करते हैं कि एलिस्टर ब्लैक हमें जल्द से जल्द WWE टेलीविजन पर फिर से देखने को मिल जाए। अब गाइस हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस से। तो गाइस आप सब जानते हैं रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंस सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। अब गाइस यहां पर रोमर्स में तो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार का नाम है, लाइक एज डैनियल ब्रायन। माना जा रहा है कि इन्हें एक बार फिर से इनका रीमैच मिल सकता है। लेकिन गाइस जो रिसेंटली नाम सामने निकल कर आया वो है बिगी। आप सब जानते हैं बिगी रेसलमेनिया 37 में अपोलो क्रूज के हाथों अपनी चैंपियनशिप को हार चुके हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि WWE ने उन्हें चैंपियनशिप इसलिए हरवाई है ताकि उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग की तरह एक बड़े लेवल पर पुश किया जा सके। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें रोमन रेंस और बिगी के बीच देखने को मिले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड, जिसे WWE बिगी को भी एक बड़े सुपरस्टार में कन्वर्ट कर पाएगी। अब गाइस ये रिसेंटली अपडेट निकल कर आई है, लेकिन क्या होंगे WWE के प्लान्स रोमन रेंस के अपोनेंट के रिगार्डिंग, उसके लिए तो गाइस हमें कल होने वाली स्मैकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक की बिना तो कहीं मत जाना। और गाइस साथ ही आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।